बहुत जगह पे काम आता है फाइनाइट ऑटोमेटा पैटर्न मैचिंग टूल, पैटर्न मैचिंग टूल के हिसाब से ये काम आता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन ये पैटर्न मैचिंग टूल, इस द्वारा काम में आता है। सब लोग जानते हो पैटर्न मैचिंग क्या है, कि तुम्हारे पास एक टेक्स्ट है तो उसमें तुम किसी कीवर्ड को ढूंढ रहे हो, तो वो कीवर्ड का एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। सिमिलरली वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर में भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर के में भी इसका यूज है, नो इशू। तो टेक्स्ट एडिटर तुम लोग जानते हो, एमएस ऑफिस जो गूगल में जहां जहां पे तुम टाइप करके जो सर्च करते हो, दीज आर टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। जिसको नहीं पता है गूगल करो, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर, और डिटेल्स में आएगा। ओके, ओके। तो मैं दो बोला था कि दो तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसका व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक, व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे और बताएंगे, ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट अस सी द डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल मतलब फॉर्मल, इन कोई इनफॉर्मल डेफिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो फॉर्मल डेफिनेशन में फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। पहले ये फाइनाइट ऑटोमेटा की भी डेफिनेशन है और डीएफए का भी सिमिलर डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें ए फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, इज फॉर्मली डिपेंड ऑन फाइव ट्यूपल, कि कौन कौन सा ट्यूपल है, ठीक है, क्यू, सिग्मा, ठीक है, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ। ये सबके ऊपर बेस करके, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसके ऊपर बेस करके फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब जो है ये सब चीज का अलग अलग मीनिंग है। दिस इज क्यू, क्यू इज कॉल्ड फाइनाइट स्टेट, सेट, ये सेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट है, और जो चीज हम लोग बात करेंगे सब फाइनाइट है, कोई भी इनफाइनाइट चीजें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट चीजें लेके बहुत दुनिया में कम काम होता है, क्योंकि फाइनाइट चीजें हम लोगों को लेके काम करना है, क्योंकि फाइनाइट टाइम में हम लोग को रिजल्ट चाहिए, तो सब कुछ फाइनाइट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेट है, ठीक है, ये भी सेट है, ये ध्यान में ला लो, ठीक है। ये ट्रांजिशन फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन, सर पूरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, और बाकी आते, ये भी सेट है। चलो दूसरा कलर ऑप्शन नहीं है, इतना ब्लैक कलर के ऊपर, तो ये भी सेट है। तो अब धीरे धीरे सबको देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और ये भी बताएंगे क्या है, ठीक है। तो दिस is called, Q is called the states of the machine, ठीक है, states of the machine। तो कोई एक मशीन का स्टेट्स होता है, तो ये states of the machine, ठीक है, Q is called states of the machine, of the machine, machine मतलब ये M is denoted as machine, this M is equal to this, state of the machine, state of M, ठीक है। मशीन का स्टेट मतलब एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मशीन का इंस्टेंसेस कौन कौन सा है, ठीक है। तो मशीन का कौन कौन सा इंस्टेंस, बहुत सारा इनिशियल स्टेट होता है, जब तुम एटीएम में जाते हैं एक इनिशियल स्टेट, तो यूजुअली हियर आई एम अज्यूमिंग क्यू नॉट इज माई इनिशियल स्टेट, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट, मेक ए नोट, क्यू नॉट इज माई इनिशियल स्टेट, बताना पड़ेगा मशीन का इनिशियल स्टेट कहाँ पे है, अदरवाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एटीएम में जाओगे इनिशियल स्टेट नहीं पता है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कहाँ से शुरू करना खत्म, और भी बाकी सारा स्टेट है, इसमें फाइनल स्टेट भी है, मशीन का फाइनल स्टेट भी है, स्टेट भी है, फुल स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। तो नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे अल्फाबेट सेट, अल्फाबेट सेट, तो दिस इज अल्फाबेट, ठीक है, ये भी फाइनाइट ही है, ठीक है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, ये भी फाइनाइट है, ऑलराइट। तो मतलब कौन सा अल्फाबेट, मशीन जो जो अल्फाबेट लेता है वही यहाँ पे लिखेंगे, गार्बेज तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये तो ट्रांजिशन फंक्शन बोल दिया, ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन फ्रॉम डेल्टा इज द मैपिंग फ्रॉम, इज द फंक्शन इज द मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू, डेल्टा इज द मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू,
तो मतलब अगर मशीन, तो मशीन डिफाइन करेंगे, मशीन ये स्टेट में है और ये इनपुट मिलेगा तो ये स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा क्यू नॉट स्टेट में, क्यू स्टेट में है, सपोज ए इनपुट मिला, इनपुट ऐसा पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी है, ए इनपुट मिला, ठीक है, ए इनपुट मिले तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, ये स्टेट है, ठीक है, क्लियर। मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ है नहीं, फंक्शन का डिफिनेशन क्लियर है तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो, एक क्यू है तो मतलब यहाँ से एक ही स्टेट भी लेगा और यहाँ से एक ही सिंबल लेगा, लेके ये यहाँ पे मूव करेगा, कौन सी जगह पे, यहाँ पे मूव करेगा, नेक्स्ट स्टेट, दिस इज माई नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। एफ इज ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ये भी सेट है फाइनल स्टेट, ये क्योंकि सेट की तरह लिखा हूं तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट रह सकते, तभी ना सेट की तरह लिखेंगे, यहाँ पे सिंगल है इसलिए मैं सिंगल लिखा हूं, तो मतलब मशीन में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज मेक ए नोट, इज ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ठीक है। एंड ऑफकोर्स ये तुम्हें ऑब्जर्व करोगे कि एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, एफ इज ए सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है, दीज आर द ऑब्जर्वेशन। तो ए है ऑल ओवर फाइनाइट ऑटोमाटा, क्लियर। मे आई इरेज, ओके डन। अब जो है कि फाइनाइट ऑटोमाटा का अगर मैं इनफॉर्मल मॉडल देखता हूं, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ए बी ए ए ए, हाँ, तो मशीन, हेलो सर, फाइनाइट कंट्रोल, ये टेप है, हेलो सर, टेप है और ये फाइनाइट कंट्रोल है, हेलो सर, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टेट मेंशन होता है, मशीन का कार्डिनल स्टेट क्या है वो मेंशन होता है, ठीक है। अब मॉडल में बता रहा हूँ, मॉडल कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये इनपुट टेप देखो तो मिस हो गया, ठीक है, इनपुट टेप आई कैन सी इट, नो प्रॉब्लम, हाँ ऑल राइट, फाइन, ऑल राइट, ठीक है। तो मशीन इनिशियली मशीन का स्टेट क्यू नॉट है, ठीक है, ये स्ट्रिंग आएगा, टारगेट क्या है, डिसीजन प्रॉब्लम में क्या बताए थे कि ये स्ट्रिंग रीड करने के बाद, तुम तो स्ट्रिंग कहां से रीड करते हो, लेफ्ट टू राइट रीड करते हो, वही रीड करोगे लेफ्ट टू राइट, तो मशीन वन बाई वन रीड करेगा और इसका स्टेट चेंज होते जाएगा। सिमिलरली एटीएम में जाओगे तुम, यहाँ पे जाके इनिशियल स्टेट में कार्ड डालोगे, इनपुट है ना, ये वन काइंड ऑफ इनपुट, फिर उसके बाद पिन चेंज करोगे, मशीन कुछ आउटपुट देगा और मशीन का स्टेट चेंज होते रहता है, ठीक है। और कुछ खराबी आएगा, बीच में कुछ डिस्टर्ब होगा, मशीन बैक टू द इनिशियल स्टेट, यही करते हो। तो यहाँ पे भी सेम है, तो मशीन इज मूविंग, ये जो टेप हेड है मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टेप हेड है, ठीक है, इसको टेप हेड बोलते हैं और रीडिंग है रीड हेड बोलते हैं, बहुत सारे बुक में, मतलब ये रीड करता है, ठीक है। तो ये फाइनाइट कंट्रोल मतलब ये डेल्टा इज ए मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा कार्टेशियन प्रोडक्ट टू क्यू, ऑल राइट, ठीक है। दिखाओ तुम्हारा ऑनलाइन, दिखाओ एक बार क्या आ रहा है, हाँ इसको फुल करोगे तभी ना, तुम फुल करो, जिसको देखना है वो फुल करोगे देखेगा, ठीक है, नॉट माय पॉइंट, हाँ फुल करो, रोटेट करो तो फुल स्क्रीन दिखेगा, इसको रोटेट करो, स्क्रीन रोटेट करो, फुल स्क्रीन मिलेगा, ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं बता देता हूँ, थ्योरी कोई भी बुक उठाओ सेम चीज़ है। तो मशीन क्या करेगा, इनिशियल स्टेट में है, ये फ
फर्स्ट इनपुट रीड करेगा, रीड करके ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट में आएगा, ठीक है, सपोज यहाँ से पी, और फिर ये रीड करेगा एंड सो ऑन, मूव करते करते जाएगा, ये रीड करेगा, रीड करने के बाद एक सपोज आर ये स्टेट में आया है, ठीक है, और ये अगर फाइनल स्टेट में है, दिस बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन, क्लियर, सिंपल, एटीएम में भी वही करते हो, लिप में भी वही करते हो, देखो, ओके, अब आते हैं मशीन का पिक्चराइजेशन, कैसे उसको देखेंगे, तो दो तरह से हो सकता है, एक मेक ए नोट, ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल, ठीक है, जो चीज डायग्राम में है वही चीज टेबल में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लू, फॉर एग्जाम्पल Q0, हाँ अभी मैं बता देता हूँ, ये ट्रांजिशन कोई मशीन का एक मॉडल ट्रांजिशन डायग्राम है, तो डायग्राम से मॉडल में टेबल में कैसे जाएंगे, टेबल से डायग्राम में कैसे जाएंगे वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऑन इनपुट ए ये मशीन जाता है Q1 स्टेट में, ऑन इनपुट बी ये मशीन जाता है Q2 स्टेट में, एंड ऑन इनपुट यहां से ऑन इनपुट ए मशीन यहां पे आते हैं, ऑन इनपुट बी मशीन यहां पे आते हैं, देखो सारे स्टेट से यहां पे सिग्मा इज इक्वल टू, देख के पता चल रहा है, सब सब कुछ डिटेल में नहीं रहेगा, ये देख के पता चल रहा है, यहां पे इनपुट इनपुट सिंबल क्या है, इनपुट सिंबल ए एंड बी, ऑन इनपुट ए एंड बी मशीन यहां एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, ठीक है, ये मशीन मूव कर रहा है यहां से, ये तुम लोग सोचो, मैं ऐसे सोचता था तुम्हारा स्टेट भी चेंज होते जा रहा है, ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, अब जो है ये हो गया, देखो अच्छे से देखो, हर एक स्टेट से ए बी डिफाइन है, बी बी डिफाइन है, ठीक है, ये स्टेट से ए बी डिफाइन है, बी बी डिफाइन है, ये स्टेट से डिफाइन नहीं है, लेट मी डिफाइन, क्लियर, तो मशीन को दो, कोई भी मशीन अगर ड्रॉ करने के लिए बोले तो तुम दो तरह से यूज कर सकते हो, ये ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं इसको, और ट्रांजिशन टेबल, प्लीज मेक ए नोट, यहाँ ये मशीन देख, यहाँ इस मशीन में सब कुछ है, तो मशीन में इनिशियल स्टेट बताना पड़ेगा, कौन सा इनिशियल स्टेट है, ये जो एरो है, ये जो एरो है, इसको देख के पता चलेगा कि मशीन का इनिशियल स्टेट कौन सा है, ठीक है, ये जो एरो है, ये जो देख रहे हो एरो, दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट ऑफ द, ये देख के मुझे पता चलेगा कि दिस इज माय इनिशियल स्टेट, ऑलराइट, क्लियर, एंड देन फाइन मशीन का फाइनल स्टेट भी बता सकते हैं, बताना चाहिए पिक्चर में, तो मशीन इन दिस केस देर इज ओनली वन फाइनल स्टेट, तो दिस इज माई फाइनल स्टेट, क्योंकि इसमें डबल सर्कल यूज करते हैं, कोई भी स्टेट सिंगल सर्कल होता है, जब इनिशियल स्टेट होगा तो उसमें एरो देंगे, जो फाइनल स्टेट होगा उसमें डबल सर्कल देंगे, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ये फाइनल स्टेट, वन ऑफ द फाइनल स्टेट, मशीन के अंदर बहुत सारा कुछ है, तो ये देख के तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम मॉडल के देखो तो क्यू इज नथिंग बट क्यू के कौन कौन सा है, क्यू इज नथिंग बट Q0, Q1, Q2, ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, ऑलराइट, एंड देन और क्या है, डेल्टा फंक्शन तो यहाँ पे पिक्चर में डिफाइन है, ठीक है, देखो ऑन ये स्टेट में है और ये इनपुट मिलेगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट और क्या था, इनिशियल स्टेट Q0 इनिशियल स्टेट यहाँ पे देख के पता ही चल रहा है, और फाइनल स्टेट ये भी यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट है, तो Q2 में, तो ये तो गया तुम्हारा पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, तो लेट मी शो यू द टेबल, कॉरस्पॉन्डिंग टेबल, तो टेबल, तो टेबल ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इसमें ये स्टेट्स है इस तरफ और इस तरफ इनपुट सिंबल है, तो इनपुट सिंबल कौन कौन सा है, ए एंड बी, ऑलराइट, स्टेट कौन कौन सा है, Q0, Q1, Q2, All right, initial state should be marked with the arrow. Table में, please make a note. Final state should be marked with the
इरेज या इरेज इरेज हाँ फाइनल स्टेट उस भी मार्क हुई थे स्टार, ये समझ में आ जाएगा कि ये पहले फाइनल स्टेट है। और ट्रांजिशन फंक्शन ये यहाँ से देखो तुम्हारा इनपुट सिंबल सेटअप ये सेटअप स्टेट स्टेटस इनपुट स्टेप सब समझ में आ रहा है, फाइनल इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सब समझ में आ रहा है, मोर देन वन है जहां जहां पे हो वहां पे स्टार दो। ऑलराइट अब जो है कि तुम्हें ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या करेंगे देखो पिक्चर में ऑन क्यू क्यू नॉट में ए इनपुट जाके कहां पे जा रहा है बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्यू नॉट में ए इनपुट देके क्यू वन पे जा रहा है तो क्यू वन ऑलराइट, फिर बी इनपुट देके क्यू टू में जा रहा है ऑलराइट, ये ए इनपुट देके बी इनपुट देके ये क्यू टू पोजिशन में ही है तो इसके यहाँ पे रखो क्यू वन ऑन इनपुट ए क्यू टू पोजिशन में जा रहा है ऑन क्यू नॉट में जा रहा है दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा टेबल। इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल, इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल, इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ऑलराइट क्लियर हो गया तो बोलो लेट मी इरेज द स्क्रीन अदरवाइज सर स्क्रीन ब्लर हो जा रही है बोलो कंटिन्यू करो लेट मी कंटिन्यू। ठीक है तो ये हो गया। अच्छा कोई भी स्ट्रिंग जैसे कि ये मशीन में देखो ये जो तुम्हारा ऑटोमेटा है तो इसमें मैं क्या करूंगा कि फाइनल कोई भी इनपुट में अगर मैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पहुंच सकता हूँ दैट इनपुट्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द मशीन, वही तो है। मैं कोई चाइनीज आके तुम्हें हाई बोला, मैं तुम्हें हिंदी में हाई बोल रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम एच आई रीड कर रहे हो दिमाग में, जब हाई रीड करना कंप्लीट हो गया तुम्हें समझ में आ गया तुम उसके एक्सेप्ट कर रहे हो, ये ना कर रहे हो अननोइंगली अननोइंगली। तो यहाँ पे भी तो मशीन पूरा रीड करेगा इनपुट टेप, रीड करने के बाद कहाँ पे कहाँ से रीड करेगा इनिशियल स्टेट से रीड करेगा, रीड करने के बाद मशीन अगर फाइनल स्टेट में आ गया तो मतलब मशीन उसको एक्सेप्ट करेगा। अब जो जो तो मशीन क्या करते हैं अगर सिग्मा फॉर एग्जांपल ए बी है और एम इज द मशीन, मशीन का जो लैंग्वेज है दैट शुड बी डिनोटेड एज एल ऑफ एम, मतलब मशीन का लैंग्वेज मतलब इसमें कौन कौन सा मतलब दीज आर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय एम, ऑलराइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय एम। इस एग्जांपल देखो इस एग्जांपल में गिव मी सर्टेन स्ट्रिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द मशीन, बोलो बोलो। यहां पे देखो क्यू नॉट से स्टार्ट होके मैं कैसे फाइनल स्टेट में पहुंच सकता हूं बी लगा के, तो मैं क्या कर सकता हूं बी, तो इसमें फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल बी शुड बी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ऑलराइट कोई डाउट है? ठीक है और क्या हो सकता है ए ए हो सकता है, ठीक है ए ए हो सकता है, मैं रैंडमली जनरेट कर रहा हूं बी ए हो सकता है तो बी ए बी ए बी बी हो सकता है देखो, ठीक है देखो ये देखो दिख रहा है सबको ऑनलाइन, तो दिस शुड बी द मशीन में और भी बहुत सारा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस एग्जांपल राइट नाउ, ठीक है लेट मी मूव टू द एडवांस टाइप ऑफ एग्जांपल जहां पे हम लोग डिजाइन करेंगे। तो लेट अस सी आवर फर्स्ट एग्जांपल, लेट मी क्लियर इट ओके। ओके फाइन फाइन अब देखो कि और फर्स्ट एग्जांपल मैं अगर ये मशीन ड्रॉ करूं मुझे डिसाइड करना है व्हाट इज दी, ठीक है ये मशीन गिवन है दिस इज क्यू नॉट दिस इज क्यू वन ऑन इनपुट वन यहाँ पे जा रहा है ऑन इनपुट जीरो यहाँ पे रह रहा है ऑन इनपुट जीरो यहाँ से आ रहा है इनपुट सिंबल ऑलराइट
फाइनल स्टेट भी तुम्हें पता है, तो मुझे बोलो कि गिव मी द लैंग्वेज व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द मशीन, व्हिच इज एक्सेप्टेड, लैंग्वेज मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेड, तो गिव मी द लैंग्वेज व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन। तो प्रेफर करो हमेशा, वन ऑफ द क्लासेस में बताया था पहले जीरो लेन देखो, फिर वन लेन देखो, फिर टू लेन देखो, दिस इज ए गुड ट्रिक, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, दैट इज द वे यू कैन कवर ऑल द थिंग। तो जीरो लेंथ है इसमें नहीं है, एप्सिलॉन इनिशियल स्टेट इज फाइनल स्टेट नहीं है, तो जीरो लेंथ नहीं हो सकता, वन लेंथ हो सकता है तो वन, ठीक है, तो वन लेंथ में और कुछ नहीं है, टू लेंथ में है, टू लेंथ में क्या है वन वन, थ्री लेंथ में है और कुछ है नहीं है, थ्री जीरो वन, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, और थ्री लेंथ में है, थ्री लेंथ में देखो वन 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 जीरो वन 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 जीरो वन जीरो जीरो वन, और कोई पॉसिबल नहीं है, देखो वन 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 हो गया, ये चार पॉसिबल केस है, तुम ये ठीक में बताऊंगा बाद में, ठीक है, एक तो मेरे तो बहुत है, चलो तो ये स्ट्रिंग का ऐसे फोर लेंथ स्ट्रिंग भी मिलेगा, तो ये तो वन काइंड ऑफ सेट, सेट का कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी बता दो तो हो जाएगा शॉर्टकट में, तुम्हें सब एलिमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो जानते हो सेट डेफिनेशन में, ये तुम्हें वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं बोल दिया सेट ऑफ स्टूडेंट जो इस क्लास में है वो जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का है, एमएससी पढ़ता है, तो मैं बोल दिया कि इस रूम में जो है दिस इज वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेट का ये स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या है देखो, तो इसमें जो स्ट्रिंग्स है बोलो, देख के नहीं लग रहा है सब देखो एंडिंग विद वन है कि नहीं, तो तुम डायरेक्टली लिखो कि दिस इज नथिंग बट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे लिख सकते हो डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू एंड विथ वन, हो गया, ये शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, ऑन सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है, तो दिस इज वन एग्जांपल, एंड ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, जल्दी बताओ कि ये क्या होगा, इसके बाद तुम लोगों का क्लास क्या कहाँ पे है, कौन सा किसका इसके नहीं लेंगे हम, तो जीरो ये मशीन यहाँ पे वन पे यहाँ पे जाएगा, क्यू नॉट जरूरी नहीं है हमेशा ये क्यू नॉट ही हो, तुम अपने हिसाब से नाम दे सकते हो पी क्यू, ये वन पे यहाँ पे है और यहाँ पे वन है, जल्दी बोलो तो कि ये क्या है, ये मुझे कौन सा इसका लैंग्वेज है, व्हाट इज द लैंग्वेज, हाँ एप्साइन एंड जीओ एंडिंग विद क्यू, रोशन यस सर, रोशन प्लीज राइट योर डाउट, आई एम नॉट ऑडिबल, write your doubt, I will clear, due to certain reason I am not audible, ye mic kahan hai ke pata nahi, ठीक है, रोशन अंचल जो भी डाउट है प्लीज राइट इन द ग्रुप, आई विल एड्रेस, ठीक है, क्लियर, बोलो बोलो इसका क्या होगा, हाँ लैंग्वेज शॉर्टकट में बताओ, हो गया मास्टर क्लास सर, जीरो वन वन जीरो, not will
कौन सा एग्जाम्पल दैट लास्ट फर्स्ट एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल रिपीट करे उनको ये एग्जाम्पल में क्या क्या दिक्कत है ये एग्जाम्पल में ये इनिशियल स्टेट है ठीक है ये इनिशियल स्टेट है देखो मैं और जूम कर दे रहा हूँ ठीक है ये इनिशियल स्टेट है ये फाइनल स्टेट है ठीक है ये फाइनल स्टेट है ठीक है और मैं जीरो लगा जीरो देके देखो वन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे वन देके ऑलराइट फिर मुझे फिर यहाँ से जीरो और क्या वन वन है तो वन वन तो मैं फाइनल स्टेट में हूँ तो ये भी एक्सेप्ट करेंगे जीरो वन तो जीरो वन एक्सेप्ट करेंगे फिर वन 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 भी एक्सेप्ट हो गया अब वन 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 यहाँ पे रहेगा तो वन वन भी एक्सेप्टेड हो जाएगा जीरो वन वन ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे करके वन 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 है कहाँ पे ये वन 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 अब है भी तुम सोचो कि तुम इसी के इसमें हो ऐसे सोचोगे तो हो जाएगा तो आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो कंप्यूटर के अंदर घुसना पड़ेगा ठीक है तो सोचो कि तुम ही हो यहाँ पे दो इनपुट देंगे तो तुम इसको खा रहे हो खाने के बाद यहाँ पे मूव कर रहे हो बस ये है एकदम क्लास फाइव का ठीक है ऑलराइट ओके थैंक यू ओके नेक्स्ट ये जो एग्जांपल था ये एग्जांपल में बोलो देखो ऑब्जर्व मैं थोड़ा स्ट्रिंग का पैटर्न बता रहा हूँ जियो एक्सेप्ट हो जाएगा एक्सेलेंट एक्सेप्ट होगा इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट एक्सेप्ट हो जाएगा फाइन तो लेट मी जॉट डाउन एप्सिलॉन जीरो लेंथ स्ट्रिंग जीरो एक्सेप्ट हो जाएगा नेक्स्ट वन जीरो एक्सेप्ट हो जाएगा तो वन जीरो एक्सेप्ट हो जाएगा फाइन आई एम हैप्पी जीरो जीरो एक्सेप्टेड हो जाएगा तो कर लो लेट मी चेक द पैटर्न ठीक है फिर वन जीरो जीरो तो और टू लेंथ में और कुछ एक्सेप्ट होगा नहीं है टू लेंथ में और कुछ एक्सेप्टेड होगा नहीं होगा ठीक है फिर तीन लेंथ में देखो वन तीन लेंथ में लेट मी हाँ तीन लेंथ में देखो कौन कौन सा है वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो 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 ठीक है ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा देखो तुम लोग ट्रैक करके देखो लेट मी ट्रैक दिस थिंग फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स वन वन जीरो तो वन वन जीरो आई एम हैप्पी फिर जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो आई एम हैप्पी ऑलराइट फिर वन जीरो जीरो आई एम स्टिल हैप्पी जीरो 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 आई एम हैप्पी और तीन लाइन पर कोई स्ट्रिंग है नहीं होगा और देखो आई हैव सर्टेन कैलकुलेशन तुम चेक करके देखो मैं बता दूंगा इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं गलत भी हो सकता हूँ ठीक है तो ऐसे फोर लेंथ का भी स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग का पैटर्न देखो तो इसको हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एल एल डब्ल्यू सजेट W is epsilon or ends with zero. All right? Okay? और तुम कोई एक बोल सकता है अगर तुम लॉजिक पढ़े हो तो तुम एक बोल सकते हो ऐसे कोई एक प्रोपोजिशन अगर पढ़े हो तुम जानते हो कि एक प्रोपोजिशन है लॉजिकल प्रोपोजिशन है उसको कॉन्ट्रापोजिटिव वर्शन भी बोल सकते हो तो ये दिस डब्ल्यू इज एक्सेलेंट एंड डब्ल्यू डज नॉट एंड विद वन इज अ कॉन्ट्रापोजिटिव वर्शन ठीक है तुम लोग जब मैथमेटिक्स में अनलॉजिकली प्रूव करते हो कि ऐसे नहीं प्रूफ है लेट अस अज्यूम दैट ये आंसर जो प्रूव करना है उसको फॉल्स ये पकड़ के जाके प्रूव करके कॉन्ट्रडिक्शन देखा था इसको कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं प्रूफ बाई कॉन्ट्रीब्यूशन ओके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में किसी को प्रोपोजिशन अगर नहीं आता है उसको पढ़ो ठीक है क्लियर लेट मी क्लियर द स्क्रीन
ऑलराइट, तो ये एग्जांपल बोलो, ये दिस इज क्यू नॉट, दिस इज क्यू वन, ऑन इनपुट ए यहाँ पे आएगा, ऑन इनपुट बी यहाँ पे आएगा, क्यू टू सॉरी, ठीक है, ऑल राइट, नो इश्यू, ये यहाँ पे बी है और ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, ऑन इनपुट बी ये यहाँ पे आएगा, क्यू टू क्यू थ्री, ऑन इनपुट बी, ऑन इनपुट ए यहाँ पे आएगा Q4, ऑन इनपुट ए यहाँ पे रहेगा, ऑन इनपुट बी यहाँ पे जाएगा, दैट्स इट। अब बोलो के ये बोलो इस ये कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, इसका लैंग्वेज बोलो, सर इंड ठीक है, देखो क्लियर, जल्दी बोलो सर, कीमती कर लो इसको, बोले ये स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट करेगा, हाँ बोलो बोलो, एंड विद बी बोलते जाओ, ए एक्सेप्ट करेगा, ए एक्सेप्ट करेगा, सिमिलरली इधर से देखो बी एक्सेप्ट करेगा, बी भी एक्सेप्ट करेगा, और बताओ बी ए एक्सेप्ट करेगा, बी ए बी ए बी ए एक्सेप्ट करेगा, हाँ? तो स्ट्रिंग के पैटर्न देख के क्या लग रहा है, क्या होगा इसको ले करके देखो, डिवाइड करके देखो, ठीक है, दो तरह का चीजें एक्सेप्ट हो रहा है कि यहाँ पे देखो मोर देन वन फाइनल स्टेट है, ऑल राइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट है और मोर देन वन फाइनल स्टेट है, देखो ये फाइनल स्टेट, तो ये स्ट्रिंग का पैटर्न क्या है, बोलो, जल्दी बताओ, सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल, नो और जनरलाइज कर दिया, देखो ये अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो ये तो स्टार्टिंग से एंडिंग, मतलब ये स्ट्रिंग का स्टार्ट भी ए है, एंड भी ए है, एंड सो ऑन फॉर दिस वन, ये सेट का स्टार्ट ए है, एंड भी ए है, आई एम हैप्पी, मैं जो मैं बताया उसको चेक करके देखो, मैं जो बता रहा हूँ पहले बात दो चीज वो अभी भी लाइव में है, मेरा कोर्स खाली यहाँ तक सीमित नहीं है, कभी भी लाइव में मैं जो चीज बता रहा हूँ वो जो चीज बताना जा रहा हूँ उसको मीन कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा मैं जो चीज बता रहा हूँ वो कुछ गलत नहीं तो मीन कर रहा है, मतलब सुपर सेट नहीं होना, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, अंडरफ्लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तुम ऐसे कोई भी स्ट्रिंग ले लो तो मैं इसका वो दे देता हूँ शॉर्टकट में, सिग्मा सिग्मा स्टार, रॉन्ग, ए सिग्मा स्टार ए, बी सिग्मा स्टार बी, ये भी गलत, प्लस ये यहाँ पे भी ये सब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, देखो क्लियर, अंचल क्लियर है, रोशन क्लियर, ठीक है, ये दिस इज द शॉर्टकट ऑफ राइटिंग, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग जब करेंगे और भी शॉर्टकट देखेंगे, ऑलराइट, थैंक यू रोशन, ओके अंचल थैंक यू, ठीक है, तो ये शॉर्टकट में तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, सिग्मा स्टार मतलब क्या है, सिग्मा स्टार मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो सिग्मा इक्वल टू ए बी, तो ये कौन कौन सा है, देखो एप्सिलॉन है, ए है, बी है, तो कोई भी चीज इसके अंदर बैठा हो आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी तो मैं हो गया, ठीक है,
बस नेक्स्ट। तो अगर आते अब डीएफए के ऊपर, डीएफए क्या है कि डिटरमिनिस्टिक फाइनल ऑटोमाटा में या इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाएंगे, मेरा फिक्स डिटरमाइन पाथ होना चाहिए। तुम यहाँ से हॉस्टल जाओगे, तुम्हारा पाथ अगर डिटरमाइंड है तो तुम योर डिटरमिनिस्टिक, मतलब मैं सर ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल देने का कोशिश करता हूँ, डोंट राइट देम इन द एग्जांपल एग्जाम, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज फाइन। राइट राइट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल, कहाँ हो गया, ठीक है, कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। अब देखो तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से हॉस्टल जाएंगे, मेरा ठीक नहीं है कि मैं हॉस्टल कहाँ से जाएंगे, मैं भाई यहाँ पे दुकान में चाय पी के फिर हॉस्टल जाएंगे, तो मैं थोड़ा डिवियट करके, तो मेरा पास डिटरमाइंड नहीं है, मैं सीधे भी जा सकता हूँ, टेढ़ा भी जा सकता हूँ, इधर से उधर, तो ऐसा है ऑप्शन है, तो इसको बोलेंगे नॉन डिटरमिनिस्टिक। ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट, ये है, यही चीज मशीन में भी है, ठीक है, ठीक है। ये नॉन, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें जो नॉन डिटरमिनिज्म पावर लगाए हैं, इसके लिए फील्ड्स मेडल भी मिला था, नॉन डिटरमिनिज्म पावर, मुझे मैं इधर से इधर भी जा सकता हूँ, इधर से घूम के भी जा सकता हूँ, खाली ये आइडिया अराउंड 1950s ये आइडिया है, ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके ये सब कहाँ से आ गया, ओके फाइन, ऑलराइट, तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके और क्या क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनिज्म, तो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्लियर, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अभी देखेंगे। तो ये एग्जांपल देखो कि ये एग्जांपल के डिजाइन है डीएफए, डिजाइन है डीएफए, डिजाइन है डीएफए, ठीक है, व्हिच एक्सेप्ट ओनली इनपुट, इनपुट शॉर्टकट इनपुट 101 ओवर सिग्मा इक्वल टू 01, ठीक है, इसका अगर पिक्चर है मैट्रिक एक्सिक ये सब, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ बुक, दिस इज द ट्रिक, कभी भी कोच जैसे तुम जाते हो ना, तो जहाँ पे मूर्ति बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, तो दुर्गा को मूर्ति बना रहे हैं, तो ऐसे नहीं कोई हाथ से स्टार्ट करेगा, कोई पैसे स्टार्ट करेगा, पहले इसको बैकबोन बनता है, तो सेम आइडिया यहाँ पे लगाओ, मुझे जो मांगा है उसका बैकबोन बनाओ, तो बैकबोन कैसे डिसाइड करेंगे, देखो एक ज्यादा बार नहीं बताएंगे, ठीक है, और सब बुक पर कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, दिस इज द वे हाउ आई हैव लर्न दिस कोच। बैकबोन कैसे ड्रॉ करेंगे, मुझे क्या एक्सेप्ट कराना है, 101 एक्सेप्ट कराना है, तो मुझे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में 101 में पहुंचना है, सिंपल एज दैट, हो गया। तो इनिशियल स्टेट मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, नाम तुम लोग दे दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस 101, मेरा फाइनल स्टेट हो गया, दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस मशीन। अब मशीन को कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो ये जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये पी क्यू आर एस, तो ये जो स्टेट से मुझे 0 और 1 को दोनों को डिफाइन करना है, ठीक है, यहाँ से 0 आएगा तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, यहीं से पी से 0 आएगा तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, पी पे 0 जाएंगे तो कहाँ पे, बोलो बोलो, 0 आएगा तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, इनिशियल स्टेट से मुझे 0 आएगा, एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, तो मैं 0 तो हटा देंगे इसको, कोई भी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट है आई डोंट बॉदर अबाउट, इसको डेट स्टेट में भेजेंगे और उसके बाद कुछ भी आए आई डोंट बॉदर। ऑलराइट, सिमिलरली तो यहाँ से 0 और 1 हो गया, नेक्स्ट ये स्टेट से 0 डिफाइन है, 1 डिफाइन है, नॉट डिफाइन है, इसके बाद 1 आएगा तो स्ट्रिंग का पैटर्न क्या हो जाएगा, 1 1, जो कि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो भेजो इसको यहाँ पे। सिमिलरली 1 0 0 आ जाएगा तो यहाँ पे भेजो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, ठीक है, इसके बाद कुछ भी आए आई डोंट बॉदर इंटरेस्टेड, यहाँ इसके बाद कुछ भी आ जाए क्या आएगा, 0 1 जो भी आए तो यहाँ पे भेजो, इसके बाद तुम घूमते जाओ, ये दिस इज कॉल्ड डेड स्टेट, ठीक है, तो डेड स्टेट मतलब यहाँ पे ये स्टेट है जहाँ पे तुम आओगे तो ये तुम घूमते यहाँ पे घूमते जाओगे डेडलॉक टाइप का, ठीक है, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो तो पता चलेगा डेडलॉक क्या है, कंप्यूटर में भी डेडलॉक वगैरह ये सब है तुम्हारा मोबाइल पे,
सिंपल लूप है, जहाँ पे घुसोगे तो बाहर नहीं आ सकते। तुम अगर सी प्रोग्रामिंग की हो तो तुम जानते हो, ठीक है, तो एक लूप में चले जाएगा, इनफाइनाइट लूप बेसिकली, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देंगे तो ये क्लियर। तो लेट मी क्लियर इरेज द स्क्रीन। तो दो तरह से हो सकते हैं, तुम्हें एक ये दिया रहेगा ये निकाल सकते हैं, और ये दिया रहेगा ये निकालना पड़ेगा, लैंग्वेज निकालना पड़ेगा। ये मेरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन इज नथिंग बट 101। ऑल राइट, क्लियर। तो लेट मी इरेज द स्क्रीन। ओके, एक बार चलो मैं क्या वापस आ सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो देखो तुम्हारी इनिशियल स्टेट, दिस इज द इनिशियल स्टेट, सॉरी दिस इज द इनिशियल स्टेट, टी इज द इनिशियल स्टेट, मुझे 1, 0 and 1 ये चाहिए, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऐसे में तुम इसको खाओ नहीं खाते, तो ये स्टेट से जीरो डिफाइन करना है, तो जीरो, ठीक है, तो इस स्टेट से अगर जीरो आएगा तो मैं क्या हो सकता है, इस से जीरो आएगा तो जीरो वन वन, ये मैं करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं इसको जीरो, जैसे जीरो में एक आइटम बदल, इसके बाद क्या आए, तो मैं जीरो मिला तो डेट सेट में भेज दिए, ठीक है, डेट सेट के बाद उसके बाद कुछ भी आए सब क्लियर है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखो ध्यान से देखो, डेट सेट से मैं कल फाइनल सेट में नहीं पहुंच सकता, तो मतलब कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं चक्रव्यूह में फंस गया तो यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं तो हो गया सिंपल, नहीं चीज डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, महाभारत में यहाँ पे चक्रव्यूह में एक बार आ गए तो वहां पे गेट से यहाँ पे जीरो भी यहाँ पे वो फिर वन आएगा, तो कोई भी स्ट्रिंग वन वन से स्टार्ट हो रहा है, वन वन से स्टार्ट हो रहा है, ये नॉट पार्ट ऑफ माई इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे देखो 1 0 आना है, तो मैं इसको डेट स्टेट में भेज दिया। सिमिलरली 1 0 अगर जीरो पे 1 0 0 और इसके बाद कुछ भी है तो मेरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 0 1 टाइप का स्ट्रिंग एक्सेस करना, राइट। एक है ये, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है कि लास्ट एग्जाम्पल के डिजाइन, ओके थैंक यू थैंक यू, डिजाइन ए बी ए पे, ठीक है, डिजाइन बी ए पे दैट एक्सेप्ट एक्सेप्ट इवेंट नंबर ऑफ जीरोस, घर पे जाकर पढ़ाई करो, ठीक है, तो जितना पढ़ाई करोगे उतना क्लास में इतना अंडरस्टैंडिंग जाता होगा, आई होपफुली मैं जो पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, होपफुली आई एम करिंग योर असाइनमेंट, होपफुली नेक्स्ट वीक असाइनमेंट यू गेट, होपफुली, ठीक है, टेक्स्ट बुक से मैं असाइनमेंट देंगे, तुम लोग असाइनमेंट करो सिटिंग एट होम, असाइनमेंट अपने पास रखो, मेरे भगवान जो ऑफलाइन है वो यहाँ पे सबमिट करो, एक समबडी स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्ट कर लो, ठीक है, जो जो ऑनलाइन है वो बाद में सबमिट करो, ठीक है, ऐसे में इनको अलग का मार्क्स मिलता है मैं देता हूँ, इसके बाद प्रेजेंटेशन भी है तुमको, तो प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा, वो भी जो जो टॉपिक में नहीं पढ़ा रहे उसको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, अभी जो जो टॉपिक में पढ़ा रहे आगे आने वाले टॉपिक से क्लियर मिल जाए, तो अगर जो ऑफलाइन कर डिजाइन एंड
गिवन नंबर ऑफ ओवर सिग्मा इक्वल टू 0 1। अच्छा एक चीज ध्यान में देखो, ठीक है, एक चीज ध्यान में देखो कि ये मेरा जो स्ट्रिंग, मेरा इंटरेस्ट, अगर मेरा मतलब कभी भी मेरा बोल रहा हूँ मैथमेटिकली हम लोग ऐसे ये नोटेशन यूज करते हैं। अगर मैं लास्ट तक तुम फॉलो करते हो, नंबर ऑफ 0 इज एप्सिलॉन इज 0, नंबर ऑफ 1 इज इन एप्सिलॉन इज 3, वेरी सॉरी दिस इज आल्सो 0। तो ये 0 इज इवन नंबर, हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन भी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा। सिमिलरली 0 होगा नहीं होगा, 1 होगा नहीं होगा, 0 1 0 होगा नहीं होगा, 101 होगा नहीं होगा, ठीक है, 1010 ये होगा 1100 होगा, 1110 नहीं होगा। तो अभी तो पैटर्न समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, कौन से तरह का एक्सेप्ट करना है कौन से तरह। इसके चलते ठीक है, हाँ उसके बाद इसके लिए मुझे ऑप्शन देखो कि तुमने कितने एक्स में स्ट्रिंग दिया हो, एक्स इज स्ट्रिंग बिलोंग टू सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल चार पॉसिबिलिटी के लिए ये देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 0 शॉर्टकट पे लिख रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ 1, ठीक है, तुम लोग समझने की कोशिश करो, ऑड नंबर ऑफ 0 प्लस ऑड नंबर ऑफ 1, ठीक है। नेक्स्ट इवन नंबर ऑफ 0 एंड ये कोई भी स्ट्रिंग है एंड ऑड नंबर ऑफ 1, ये पॉसिबिलिटी आ सकता है, और आ सकता है कि इवन सॉरी ऑड नंबर ऑफ 0 इवन नंबर ऑफ 1, ये पॉसिबिलिटी, ये छोड़कर तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है स्ट्रिंग को इवन ऑड देके। तो मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मेरा इंटरेस्ट किसमें, इवन नंबर ऑफ 0 इवन नंबर ऑफ 1 कहां पे, ये मेरा इंटरेस्ट, ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट। तो इसको तो मैं क्या करूंगा, इसको ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के बाद लेकिन कुछ स्टेटमेंट आएगा, ये स्ट्रिंग की फीड करने मशीन में फीड कराएंगे, तो ये मशीन कहां पे तो आना चाहिए, ये भी यहां भी इसको भी, तो मैं सबके लिए एक स्ट्रिंग दिस इज क्यू नॉट, ठीक है, और ये इसके लिए Q1, इसके लिए Q2, इसके लिए Q3, ये चार स्टेट मुझे चाहिए इसको डिजाइन करने के लिए। ऑलराइट, ओके,
देखो दिख रहा है ऑल राइट फाइन। तो ये अगर चार स्क्रीन मिल गई है तो इसको पहले देखो एक साइड हम तो एक्सेप्ट करना चाहिए तो इनिशियल से इसका फाइनल से ये तो दिमाग में आ ही गया होगा ठीक है। तो लेकिन दूर है तो इनिशियल स्टेट इसमें फाइनल से ये मेरा डिस्टिंक्टिव ठीक है कैसा लगा एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर जीरो आ जाए के बाद अगर जीरो आ जाए जीरो में कितने नंबर ऑफ जीरो कितने नंबर ऑफ वन है वन नंबर व्हाट नंबर ऑफ जीरो इवन नंबर ऑफ वन इवन नंबर ऑफ वन यही है ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसको कीप भी नहीं मैं लिख दिया कीप भी तो देखा और फिर जीरो के बाद फिर से जीरो आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो ये अगर इनिशियल स्टेट से अगर वन आ जाए इनिशियल स्टेट से वन तो डिफाइन नहीं है मुझे डिफाइन करना पड़ेगा वन आ जाए तो मतलब क्या है मैं वन इनिशियल स्टेट में हूं वन मिलकर के मैं कहां पे आ रहा हूं ऑलराइट। तो मीनिंग कहां पे जाना चाहिए देखो क्यू टू में जाना चाहिए इवन नंबर है 0 और नंबर है 1 तो मैं इसको वन की जगह वन क्यू में ऑलराइट मिलाली अगर वन मिल की है मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा और तो कंप्लीट करो पूरा ऑल ओवर कंप्लीट हो जाएगा वन फिर से वन आगे बाद में जाएंगे तो यहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रॉपर्टी तो देखना पड़ेगा ऑलराइट। तो यहाँ से वन डिफाइन है जीरो डिफाइन है यहाँ से वन डिफाइन किया हो जीरो डिफाइन किया नहीं है अब डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन में मेरा मेरा स्टेटस क्या है मेरा मतलब मशीन का स्टेटस क्या है मशीन का क्या है मशीन क्या है तो कौन सी स्थिति को ओवर करके यहाँ पे आ रहा है मशीन और वन मीन्स का ऑड नंबर ऑफ वन ये नंबर जीरो मिल करके इसी में रहेगा तो मेरा ये उसके बाद अगर जीरो आ जाए ऑड नंबर ऑफ वन ये नंबर उसके बाद जीरो आ जाए तो मशीन मेरा इनपुट स्ट्रीम का स्टेटस क्या है ऑड नंबर ऑफ वन ऑड नंबर ऑफ जीरो ऑड नंबर ऑफ वन तो कहां पे जाना चाहिए Q3 में Q1 में वेरी गुड थैंक यू। तो यहां पे जीरो आ जाएगा तो मैं जीरो देखो तो वन जीरो तो ऑड नंबर ऑफ जीरो ऑड नंबर ऑफ वन ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा स्टेटस ये है मैं ऑलरेडी ये पिक करा दिया मशीन में यहाँ पे हूँ। अब ये वन आ जाएगा तो क्या होगा इवन नंबर ऑफ वन ऑड नंबर ऑफ जीरो कहाँ पे जाना चाहिए क्यू थ्री में। तो मैं सिमिलरली ये भी करके देखो दैट इज द एंड ऑफ द क्यू देखो इतना भी वर्ड स्ट्रिंग लेवल ही आता है तो जो चीज इसमें नहीं आएगा ऑलराइट ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल क्योंकि मुझे क्या है ठीक है
that accepts all the strings with at most e is. यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू ए एन बी. अच्छा, कैन यू कैन समबडी प्लीज डू मी अ फेवर, कैन यू प्लीज टेक अ पिक्चर ऑन द होल क्लास इंक्लूडिंग दिस बोर्ड. तो बैक से जाओ, चले जाओ, इस पिक्चर इज रिक्वायर्ड द सैंपल. तो चले जाओ, चले जाओ. ताकि पता चले कि चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, जो जो नहीं आ रहा है क्लास. ये आया प्रोजेक्टर? और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल टर्मिनेट द सेशन हियर. ठीक है, और मैं जो बताऊं All right, so let me end the session here. Thank you.